से हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये सोच रहे होंगे बम हम तो लेकर नहीं आए। होगी जनसंख्या कम, सुखी रहेंगे सब जन। शादी कम करो, जनसंख्या कम करो। दिस इज माय आईडिया। इतने एटीट्यूड वाले कर्मचारी हैं इस अस्पताल में, सब काम हो रहा है लेकिन हम जो कराने आए तो कोई काम बस नहीं हो रहा। गजब की बात हो गई। हम आराम से बैठे रहे, टपक टुपक मत रहे। पीछे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं और ना पढ़ने वाले ऐसे। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। हमें बिल्कुल बढ़िया है। और अभी बज रहे हैं गाइस 10:30 और हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल। अभी हम तैयार हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो इधर से हॉस्पिटल जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग रहा, इसलिए हम जाएंगे बैग लेकर, क्योंकि फिर हॉस्पिटल से सीधे सेंटर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी भीड़ कम हो गई इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल इसका इलाज कराने के लिए। सॉरी कुछ काम से इलाज कराने के लिए। गाइस आज कल हम हॉस्पिटल की नगरी में फिर से, कल भी आए थे और आज भी आ गए। कल हमारा काम नहीं हुआ था इसलिए हमने सोचा आज जाएं, हो जाएगा। आज इतनी भीड़ नहीं है, बाकी आगे पता चलेगा। जी अंकल लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मुझे पहचानते हैं, चीन रहे हैं। मैं क्या, तुम चीन रहे भैया? चल मैं एडवाइस कर दूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है फिर भी किस चीज़ की भीड़ लगी हमें। यहाँ पर हॉस्पिटल में 11 बजने के बाद भी कोई आता नहीं है। ऐसा गेट बंद कर रहे हैं धड़ाम से, इसमें भी कोई नहीं है, उसमें है एक व्यक्ति बैठा। लेकिन भाई से काम कर वो व्यक्ति गाय भैया दिख रहा था, इसने हमारे ऊपर नज़र रखा। पता कब से हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, ये सोच रहे होंगे बम। गाइस यहाँ पर देखो लिखा सूचना पटल, लेकिन सूचना तो एक भी नहीं चिपकी यहाँ पर। होगी जनसंख्या कम, सुखी रहेंगे सब जन। लेकिन कल तो इतनी भीड़ थी ना यहाँ, पूरा लबा लब भरा था महिलाओं। पूरी गर्भवती महिलाएं इतनी ज़्यादा आ गया नहीं, जनसंख्या होगी कम कैसे शादी कम करो, जनसंख्या कम करो। दिस इज माय आईडिया। इतने एटीट्यूड वाले कर्मचारी हैं, भगवान ही बचाए हमसे, हमको इनसे। इस अस्पताल में सब काम हो रहा है लेकिन हम जो कराने आए थे कोई काम बस नहीं हो रहा। गजब की बात हो गई। हम कल भी आए थे, कल भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं बात, जबकि वो जो कल काम कर रहे थे ना, हम जो काम कराने आए वो कर आए थे आज, लेकिन बोल दिए नहीं होगा भाई। तो नहीं होगा तो ठीक है, हम भी चले अब जाएंगे रूम और आराम करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, फिर जाएंगे क्लास। दिमाग का दही कर दिए गाइस। सुबह सुबह उठकर हम गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में हमारा काम ही नहीं हुआ। बस वो ना हमको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। जब वो आए तो वो ना समझ, पर ठीक है ना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो हमें नहीं पता। लेकिन वो आए थे जो कल थे, वो आए थे इसलिए हम बोल रहे थे हमारा काम तो हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलो होता ही। ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में छोटी छोटी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। क्या बोलती पब्लिक? मेरी तबीयत सास उठ नहीं है। मैं बैठूं तो पीछे एक पीछे उतर भगू कह रही है ऐसे सोची तो मेरा पता। तो गाइस आशीष आया है तो अब ये हमें छोड़ने जा रहा है मोटी का फायदा। धूप भी बहुत लग रही ना आज, वैसे भीड़ भी नहीं है आज इतनी, आराम से बैठे रहे, टपक टपक मर रहे पीछे पीछे
बाय। फाइनली आज हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं सेंटर और हम इसके लिए बहुत खुशी हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। आज हम मर गए। हाँ, और इधर कुछ है ही नहीं। नहीं तो अब सलाह दे दी। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं और ना पढ़ने वाले ऐसे, और बिल्कुल ना पढ़ने वाले ऐसे। आपका नाम कट गया। हाँ, नहीं आया ना इसलिए। जूनियर और सीनियर और जूनियर वाला आ सकता। गाइस हम तीन जन जाने लगे और एक जन हमारा फ्रेंड है। चलिए गाइस अपन भी चलते हैं अब घर, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। इसका मन नहीं लग रहा था, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, क्या ही करेंगे। अब चलते हैं रूम सीधा। अब दूध भी गाइस अभी आने को तो आशीष ने छोड़ दिया था, अब जाने को हमारे पैसे जाना पड़ेगा। हाँ, आ चुके हैं रूम और अब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब रूम में ही रहना सारा दिन। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, जय जवाहर, बाय बाय करो। टाटा बाय बाय, जय जवाहर।